थाना ने महिला सभा की जिला अध्यक्ष बनने से पहले जिला अध्यक्ष का लगाया बैनर। खैरागढ़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की मीटिंग। जिला अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने खैरागढ़ में मीटिंग कर मोना अस्थाना को बनाया महिला सभा जिला अध्यक्ष। पत्रकार ने पूछा समाजवादी पार्टी महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दे रही है, तो मोना अस्थाना के उड़े होश। जिला अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज का टाका चेहरा, बोलती हुई बंद। भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ पर कार्य करेगी समाजवादी पार्टी, मोना अस्थाना। धारा 144 की उड़ाई गई धज्जियां, बिना परमिशन कराई गई मीटिंग, लगाए गए बैनर। आप कुछ गलती कर रहे हैं, जब ये गलती होती है, मैं मानता हूँ गलती इंसान से होती है, मगर एक बार होती है, मगर बार बार नहीं होती। नहीं, आपने जैसे जिलाध्यक्ष नियुक्त होने से पहले ही बैनर तले मोना अस्थाना जिलाध्यक्ष लिख के आपने बैनर तल दिया, उसके बारे में क्या? ये बैनर मोना जी ने बनवाया था, ये हम लोग तो नियुक्ति होने से पहले ऐसे कैसे बैनर नहीं तले? ऐसा होता है कि देखिए, उन्हें पता था, ये चर्चा तो बहुत दिनों से थी जी, और उन्होंने ये पता भी था कि मेरी नियुक्ति हो रही है। नहीं, ऐसा ना, ऐसा है कि जैसे हम अगर किसी भी उसका एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने से पहले आप खुद को फर्स्ट डिवीजन तो मान नहीं सकते। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि नहीं मान सकते, मगर हमें विश्वास हो जाता है किसी कारण। जैसे हमें आज हम कह रहे हैं दावे के साथ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो रहे हैं। नहीं, आप दावे के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन किसी कारण ये मीटिंग कैंसिल हो जाती, जिलाध्यक्ष का नियुक्ति लेटर बाद में दिया गया और आपने बैनर पहले तलवाया, तन गया उसके आप ये फैसला हमारा पहले ही हो चुका था, दो दिन पहले ही, और दो दिन पहले ही इन्हें बता दिया गया था कि ऐसे आप अध्यक्ष बापू, मतलब केवल हमें लेटर देना था, नियुक्ति हो चुकी थी जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, से ज्वाइन कर रखी है जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष थी पहले, इसमें केवल ये तो की नहीं कि मैंने पार्टी पहले से ज्वाइन नहीं कर रखी थी, पार्टी में मैं सन 2004 से मतलब कार्य कर रही हूं। नहीं, फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिला अध्यक्ष बने हैं महिला मंडल से। तो सबसे पहले हम आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, आप जिला मीडिया प्रभारी हैं, क्या विधानसभा जिला मीडिया प्रभारी हैं आप जी, तो अगर आगरा जनपद की बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र वो हैं, विधानसभा हैं, तो आपकी 9 विधानसभा से कितने समाजवादी पार्टी की सीटें निकल रही हैं? लगभग हमारी 9 में से 4 से 5 सीट हम लोगों को मिल रही हैं जी, 4 से 5 सीट हमें मिल रही हैं। जैसे आपने एक बात कही थी, मैं जब आया था कि आपने कहा था कि अमित शाह ने जब यह कहा था कि 12वीं करने के बाद में इंटर कीजिएगा तो हम आपको लैपटॉप दिए जाएंगे जी, जी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उम्र का पड़ाव भी होता है जिससे कुछ इशू हो सकता है, इस बात का इतना बड़ा इशू नहीं, मैं मानता हूँ कि ये एक जी। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मुकेश भारद्वाज, जिलाध्यक्ष व्यापार सभा जी। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से व्यापार सभा आगरा की तरफ से आज एक खैरागढ़ में मीटिंग की गई है, इसके संदर्भ में सारी जानकारी बताइए। आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की महिला विंग का विस्तार किया गया है जी। आज हमने अपनी नई जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है मोना अस्थाना जी, जो या खैरागढ़ से है, इनकी नियुक्ति है। तो अगर बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो अभी हाल में जब चुनाव हुआ खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो आपके समाजवादी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए रोहतांग सिंह, क्या वो समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया, वो सही था? रोहतांग सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और रोहतांग सिंह यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। तो आपकी बार खैरागढ़ विधानसभा से रोहतांग सिंह विधायक बनने जा रहे हैं जी। तो समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, क्या किस विचारधारा पर कार्य करती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमेशा सेवा के विचारधारा पर काम करती है, बेरोजगारी पर काम करती है, नौजवानों की समस्याओं पर काम करती है, शिक्षा पर काम करती है, समस्याओं पर काम करती है। और ये बीजेपी वाले जो मुद्दे हैं, ये बेकार की बातों पर कभी समाजवादी पार्टी काम करती है जी। मोना अस्थाना जी से बात करना चाहेंगे कि आज आपको जिला की कमान सौंपी गई है, तो आपको किस तरीके से क्या अनुभव, क्या महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी तो मुझे खुशी हो रही है कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष की प्रमोशन मिला है, जिला अध्यक्ष हो गई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, विधानसभा अध्यक्ष में मैंने जितनी मेहनत की थी, उससे दुगनी मेहनत मैं जिले में करना चाहूँगी, और अपने भाई मुकेश भारद्वाज जी का पूरा साथ दूंगी और इनसे सहयोग लूंगी। तो महिला जो आप महिला अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या विचारधारा है और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ावा दोगे? मैं
जितनी मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को हर तरीके का सम्मान मिले और आगे मतलब अग्रणी रहे, महिलाओं को हर तरीके का सम्मान मिले और उनको पूरा पूरा सहयोग मिले। और समाजवादी पार्टी आने के बाद महिलाओं को जो जितनी भी बालिकाएँ पढ़ विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने अखिलेश यादव जी ने पहले भी लैपटॉप दिए थे और आगे भी उन सरकार आने पे विद्यार्थियों के लिए आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देंगे और उनका पूरा पूरा साथ देंगे। और महिलाओं तो समाजवादी पार्टी महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दे रही है अभी हाल में? समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है, सम्मान करने का हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं कि इतने परसेंटेज समाजवादी पार्टी दे रही है। जैसे अगर महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए तो प्रोत्साहित किया जा रहा है तो कितने प्रतिशत आरक्षण की वो दिया गया है, जो आरक्षित किया गया है महिलाओं के प्रति? नहीं, टिकटों में ऐसा कुछ नहीं कि इतने परसेंटेज आ गया है जो आरक्षित किया गया है महिलाओं के प्रति। नहीं, टिकटों में ऐसा कुछ नहीं कि इतने परसेंटेज आरक्षित किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा टिकट दिए, ज़्यादा सम्मान दिए। तो महिलाओं के लिए क्या खास विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है आज, सुरक्षा की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, हर तरीके से महिला पीड़ित है हमारे यहाँ, समाजवादी पार्टी उनका विशेष ध्यान है। अभी कुछ हाल में अभी इन्होंने मोना अस्थाना जी ने एक बात कही थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो आप इसी विचारधारा पे, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है उसी विचारधारा पर, उसी स्लोगन पर आपकी विचारधारा रही? जनता पार्टी का कोई स्लोगन नहीं है, वो तो सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हम लोग खड़ा कर उठते हैं। धन्यवाद। संजय सिंह तोमर, रिपोर्टर R9 भारत, आगरा।